शमीता ने पूछा उमर रियाज से ये सवाल, बिग बॉस 15 में कुछ ऐसे कंटेस्टेंट है जो टास्क को बहुत ही शिद्दत से करते हैं, उनमें से एक उमर रियाज भी है। जब टास्क की बात आती है तो उमर रियाज अपना 100% देना पसंद करते हैं। कल हमने देखा जहाँ पर टॉर्चर टास्क हुआ, यहाँ पर उमर रियाज को काफ़ी टॉर्चर किया गया बाहर निकालने के लिए, लेकिन उमर रियाज टस से मस नहीं हुए। आप जैसे कि जानते हैं कि ज़्यादातर जो बिग बॉस में लड़ाई होती है वो टास्क के दौरान ही होती है, तो उमर रियाज की भी यहाँ पर लड़ाई हुई। इनफैक्ट कैप्टेंसी टास्क में भी शमीता और उमर रियाज की बहस हो गई थी, जहाँ पर शमीता को उमर रियाज कहते थे कि तुम बिग बॉस नहीं हो। अब यहाँ पर शमीता ने उमर रियाज से एक सवाल पूछा है, उन्होंने उमर रियाज को कहा है, उमर तुझे टास्क में क्या हो जाता है, इट्स लाइक अ स्प्लिट पर्सनालिटी। वो उमर से कहती है कि तुझे टास्क में क्या हो जाता है, ऐसे तो मतलब सारे घर वालों से अच्छे से बोलता है, मिलता है, बातें होती हैं, लेकिन जब टास्क आता है ना तो तेरा मूड ही अलग देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर प्रतीक भी बैठे होते हैं, प्रतीक कहते हैं उमर प्रो मैक्स। उसके बाद शमीता उमर से कहती है मैं तुझे पहचान नहीं पा रही हूँ। उमर यहाँ कहते हैं पता नहीं यार क्या हो जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर शमीता उनसे पूछना चाह रही है जब टास्क होता है तो तू इतना एंग्री क्यों हो जाता है, मतलब तेरी एक अलग ही पर्सनालिटी देखने को मिलती है, वैसे ऑल ओवर तो एकदम सही रहता है, प्यार से रहता है, सबके साथ तेरी बनती है। तो यहाँ पर उमर यह सवाल का जवाब देते हैं मेरे को नहीं पता। वेल रही टास्क की बात, तो टास्क में अक्सर जो शांत भी रहते हैं वो भी लड़ाई झगड़े करने लगते हैं। तो उमर रियाज वैसे तो मैंने उनके इतने सारे उनको लाइफ फीड में देखा है, बिग बॉस के एपिसोड्स में भी देखा है, तो वो बहुत ही एक अच्छे नेचर वाले, लेकिन टास्क की बात आती है तो देखो जहाँ पर गुस्सा यू नो नेचुरली निकलता है, तो उमर रियाज के साथ भी कुछ ऐसा ही है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए इस पर आपका क्या कहना है। बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।